शुभ झरने का वीडियो देख कर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है गन्ना चोस के। करीब 5 दिन यहाँ पर हम 5 रातें ठहरे और 400 रुपये एक रूम का किराया और कई सारे वीडियो एडिट किए, नेट की भी अच्छी स्पीड आई। अब यहाँ से आगे जाएं दोस्तों। करीब 5-6 दिन रुकने के बाद मांडलगढ़ में, अब मांडलगढ़ से निकले हैं। सुबह के 6 बजे हैं। चला सिया, चला दोस्तों, कहते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो देखें। अब चला तो दोस्तों, अब आगे हम जा रहे हैं भक्त निवास गेस्ट हाउस में रुकने के बाद। दोस्तों वैसे तो हम पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं ये झरना देखने मेनाल का, लेकिन उस टाइम तो सूखा था। अभी बारिश हो गई है तो पानी से भरा हुआ झरना देखेंगे। मेनाल का झरना तो प्रसिद्ध है, साथ ही यहाँ पर महानाल मंदिर और मठ भी प्रसिद्ध है। ये कभी बहुत ही बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल हुआ करता था, जहाँ अभी सिर्फ मंदिरों के टूटे हुए खंडहर पड़े हैं। दोस्तों ये बारिश के बाद ज्यादा दिन चलता नहीं है, अभी एकदम हल्का चल रहा है। बाकी फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है, अगर पूरा भरा हुआ होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। सिया हाथ दिखा, हाथ दोस्तों हमारे है ना बूढ़ी बन गई, बूढ़ी आप क्या बोलते पता नहीं। सिया दिखाई, तेरा दिखाई सिया, ओ ठंडा ठंडा मारी दोस्तों, 1 घंटे नहा लिए। ओह ओह, सियावर में तैरना सीख रहे हैं। चल सिया चलो नहा लिया, नहा लिया बस तो 1 घंटा होगी। अरे बूढ़ी बन जाता, अरे बूढ़ी बन गई चामड़ी गल गया आपने, नहा लिया चलो चलो बस। दोस्तों आपको बता दें कि हम जोगनिया माताजी पहले ही जाकर आ चुके हैं। हाँ चला चला, शुभ झरनी यूट्यूब चैनल पर आप उसका वीडियो देख सकते हैं। जोगनिया माताजी जाके आ चुके हैं, मेनाल झरने का भी वीडियो इससे पहले का भी है, लेकिन उस समय पानी नहीं था झरने के अंदर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे तो एक बार फिर नहा लिए, झरना देख लिया, अब हम इससे आगे जा रहे हैं। दोस्त
दोस्तों अब हम आ गए हैं तिलस्वा महादेव मंदिर। सामने यहाँ पर बहुत ही शानदार पानी की नदी बह रही है। क्या नाम है आपका? हमेशा वीडियो देखते हो? अच्छा, अब पहचाना कैसे? आपको शिया को देखे। अच्छा, शिया को देखे। यहाँ पर मेला लगता है कि महाशिवरात्रि का लगता है? सिर्फ महाशिवरात्रि का लगता है। अभी साउंड वाला चल रहा है। अच्छा, और ये नदी कौन सी सामने? पेरू है? पेरू, पेरू नदी। पेरू नदी है। पानी यहाँ तक भी आता है कभी? यहाँ तक भी आ जाता है। तिलस्वा महादेव मंदिर करीब 2000 वर्ष पुराना, जैसा कि मुझे पुजारी जी ने बताया था। यहाँ एक राजा आए थे जिनके कहीं पर भी कोर्ड ठीक नहीं हुई थी और यहाँ आकर के ठीक हो गई थी। बाकी हर जगह तिल के समान थोड़ी सी रह जाती थी, लेकिन यहाँ पूरी तरह से ठीक हो गई थी, तो तिल के समान रह जाती, इसलिए तिलस्वा महादेव मंदिर इसे कहा जाने लगा। हवन नाम का राजा था उसके। किस नाम का? हवन नाम का राजा था, उसके शरीर में कोड होता था। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता था भारतवर्ष में। हाँ। तो उसके बाद वो बीमारी उसके छाती जैसी रह जाती। हाँ। बिजोलिया मंदाकिनी है। हाँ। बरमाली में ये नौ मंदाकिनी है। हाँ। जो ये मुख्य स्थान है, वहाँ सोया था मेरे मुख्य स्थान पे आ तेरी बीमारी दूर हो जाए। वो आया यहाँ दर्शन किए, तो उसके वो तिल जैसी थी तो बीमारी तिल जैसी उससे पूरे कोड था जो वो सब जगह इलाज कराता, सब जगह ठीक हो जा, छाती में वो छेद रह जाता। अच्छा, तिल जैसा छेद रह जाता, इतना सा रह ही जाता इलाज होने के बाद भी। हाँ। फिर यहाँ के वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। ठीक हो गया, मंदिर का बिता दिया मैंने। और भगवान का शिवलिंग या साकार निराकार दोनों रूप है, सब जगह स्थापित होते हैं, यहाँ अपने आप प्रकट होते हैं। अच्छा। बीच में शिव पार्वती की प्रतिमा है ये मंदिर के साथ। अच्छा, स्थापित 2000 वर्ष पहले। अच्छा, तो प्रतिमा उस राजा ने स्थापित की? राजा ने नहीं की, राजा तो बाद में आया, उस समय मंदिर ने जाने किसने बनाया किया है ये पता नहीं इसका। तो तिलेश्वर वो तिल की वजह से नाम पड़ा है? तिल के समान रह जाता है। पहले चार गांव थे, यहाँ जंगल था, जिला में इधर खेड़ली, सुख्याल, मऊपुरा और कोयला कुंडी, ये चार पांच गांव थे। दूर दूर चार पांच, यहाँ हमारा घर के अलावा कोई नहीं था। हम 17 पीढ़ी से यहाँ पूजा कर रहे हैं, इतना हमारा उल्लेख है। इतनी यूनिवर्सिटी उदयपुर जमा है और बाद में सब आके है। चित्तौड़ से? चित्तौड़गढ़ से। कब से देख रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए। आप 5-6 महीने से वीडियो देखते हो? क्या बात है। चेता क्यों नहीं सब्सक्राइब करे, अधिक सब्सक्राइब कर दिए। तो आप यहाँ पर? यहाँ पर वो दाद खाद बुद्धि के लिए सही होता है, इसलिए हो गया। सही हो गया। उससे सेकंड बार आवाज दो देने के लिए आया यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बार आया? दूसरी बार आया। कितने टाइम में हो गया था? महीने भर में ठीक हो गया। अच्छा, एक महीने में ठीक हो गया। नाम क्या बताया? हेमंत पारा सर। हेमंत पारा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ऊंचाई से छत से पूरा मंदिरों का व्यू। खाना अंदर वहां पर है, फिर आप क्यों बना रहे हो? यार वो ज्यादा तेल का होता है ना, इसलिए तो कर लो। अच्छा, ज्यादा तेल का होता है इसलिए खुद ही बना के खा रहे हो। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मंडली के पास, गेंडली गांव है। किसके पास में? मंडलगढ़। मंडलगढ़ के पास में। अच्छा, यहाँ कितने दिन? अभी तकलीफ है। अच्छा, तकलीफ है इसलिए 5-7 दिन रहोगे? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा अभी देखो प्रभु की इच्छा। 5-7 दिन तो हो गए? नहीं बता, हो गए साल हो गए। एक साल हो गए प्रभु की इच्छा से। वो छुट्टी देंगे, वो खनाएंगे घर। अच्छा, घर पर वो खनाएंगे, अपना अपने कहने से थोड़ी जाएंगे, खनाएंगे तो जाएंगे बीमारी दूर। फिर यही खाते और यही रहते? यही भगवान की चाकरी, सेवा चाकरी करते हैं, बुहारी जारी करते हैं। अच्छा, आप भी आए हो? हम दर्शन करने आए।
तो कैदियों की क्या चीज है, कैदी क्यों कौन है? जो बीमार आदमी होते हैं हाँ। वो जैसे चरम रोग है, मसल रोग है, किसी बीमारी हो। अच्छा, जो बीमार आदमी उनको कैदी बोलते हैं, कैदियों के। यही रिवाज आपको नाम पर तो लिखना पड़ा, आधार कार्ड की फोटो। अच्छा, यही भोजन देते हैं। हमें कैसे बचाना? आपका सिग्नल है ना मेरे पास। अच्छा। शुभ जर्नी। हमेशा देखते हो? हमेशा देखता हूँ। अच्छा। आप करीबन हल्दी घाटी से आए तब से देखता हूँ मैं। तब से देख रहे हो? हाँ। अच्छा। आपको मैंने सलाटे भी देखा था अभी। आज अभी देखे? अभी देखे सुबह आप निकले सलाटे। उस टाइम पे भी देखे थे। हम जा रहे थे बाहर, मतलब इधर जाना था, आप आए इधर दिख रहे हैं इसलिए तिलिसवा में आए। फिर उसके बाद में फिर आप, हम यहाँ फैक्ट्री पड़ती है 2.5 किलोमीटर। रहते कहाँ फिर आप? ये आगे एक फैक्ट्री है 2.5 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ पीछे रह गए। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ मिलने के लिए आए? हाँ, मिलने के लिए आए। आपकी सिया है, हमारे भी एक सोया है। सोया है? हाँ, उसका अच्छा, नाम क्या नाम आपका? राजेश गुंडिया, आदिवासी। राजेश गुंडिया। हाँ। आपका क्या नाम? जाम सिंह। जाम सिंह। अच्छा, आदिवासी लगा एमपी साइड के हैं। मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ। अच्छा अच्छा, दोस्तों आपने इतनी भैंस एक साथ कभी नहीं देखी होगी, वो भी पानी में नहाते हुए। एक ही गांव की? सारी एक गांव की? पूरे गांव में इतनी है या और भी है? ये बकगी 20-25 है थी खोद। अच्छा, ये कितनी है? ये छोट मोट ये 300 के लगभग है। 300 भैंस? हाँ, छोटा है छोटा। हाँ हाँ, छोट मोट कर। अच्छा, छोटी मोटी करके सब 300 भैंस है? हाँ। घर पूरे गांव में 300 ही एक ज्यादा है? यही है। अच्छा, यही है। हाँ। गांव कौन सा? गांव माजी साहब का खेड़ा। माजी साहब का खेड़ा। हाँ। आप ध्यान रख रहे हो क्या इनका? हाँ, दो घोड़ा। हाँ। अच्छा, डूबती नहीं है भैंस? है, ज्यादा पानी में तैर लेती है। तैर लेती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सुबह हम निकले थे मांडलगढ़ से, और मांडलगढ़ से निकलने के बाद हम लाडपुरा से होते हुए पहुंचे मेनाल। मेनाल का यहाँ पर झरना है और ऐतिहासिक प्राचीन यहाँ पर मंदिर है जो आपने पहले वीडियो में देखे थे। इस बार हमने आपको यहाँ पर वाटरफॉल दिखाया और यहाँ पर नहाने के बाद हम आगे यहाँ से निकले, और यहाँ से आगे हम गए सलावातिया। ये जो गांव है इस मोड़ से तिलस्वा महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पर है, ये रहा तिलस्वा महादेव मंदिर, और ये भी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। हाय गाइस, मेरा नाम कमल प्रजापत है और मैं शुभ जर्नी चैनल को पसंद करता हूँ। मुझे डॉन है, मैं डूंगरपुर से हूँ, मुझे शुभ जर्नी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नारायण लाल जाट, मुझे शुभ जर्नी के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं श्री हिंदुस्तान दर्शन यूट्यूब चैनल से शुभ जर्नी की वीडियो हमेशा देखता हूँ, आप इसे सब्सक्राइब करें।